दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं सोनी का X82L मॉडल का। ये टीवी 55 इंच वेरिएंट में अवेलेबल है। इसमें और भी साइजेस देखने को मिलती है, जैसे कि 65 इंच एंड 75 इंच। ये टीवी X80K का सक्सेसर मॉडल नहीं है। X80K का सक्सेसर मॉडल X80L है, जिसमें तीन साइज अवेलेबल किए गए हैं, 43 इंच, 50 इंच एंड 85 इंच। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। इन्होंने इस साल तीन साइज को X80L में लॉन्च किया है और तीन साइज को X82L में लॉन्च किया है, मतलब कि दोनों अलग अलग मॉडल है। क्या कुछ दोनों मॉडल में डिफरेंसेस है, इस वीडियो में जानते हैं। और इस X82L में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके डिज़ाइन को देखें तो ये टीवी बेजललेस डिज़ाइन के साथ देखने को मिल रहा है। नीचे में सोनी की ब्रांडिंग करी गई है, साथ में फिजिकल बटन देखने को मिलती है, साथ ही साथ लाइट सेंसर एंड हैंड्स फ्री वॉइस कमांड के लिए माइक भी दिया गया है। डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पे काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ देखने को मिल रही है। टेबल टॉप स्टैंड को देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। टेबल टॉप स्टैंड में टी सेफ का स्टैंड दिया गया है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है और मल्टीपल पोजिशन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे में साउंड बार यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे सारे पोर्ट्स साइड में दिए गए हैं। चार HDMI है, जिसमें से HDMI वर्जन 2.1 को सपोर्ट करता है एंड HDMI 3, HDMI 4 ऑटो लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ EARC को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि इसमें डॉल्बी एटमोस के होम थिएटर को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दो USB पोर्ट है, ऑप्टिकल ईथरनेट, RF इनपुट, साथ ही साथ हेडफोन आउट का भी सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल कनेक्टिविटी सभी तरह का प्रोवाइड किया गया है, पोर्ट्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, साथ ही साथ ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 4.2 का सपोर्ट है, एटलीस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.0 तो होना चाहिए था, जिस प्राइस पॉइंट पर ये टीवी देखने को मिल रही है। इसके रिमोट को देखें तो यहाँ पे इस तरह का इसका रिमोट देखने को मिल जाता है, मतलब इसका रिमोट काफ़ी हैंडी साइज़ का दिया गया है। पिछले साल X80K में जिस तरह का रिमोट देखने को मिलता था, सिमिलर रिमोट्स है, बस इसमें हॉट्स की को बढ़ा दिया गया है। पहले के हॉट्स की 4 देखने को मिलते थे, यहाँ पे 6 हॉट्स की दी गई है। यूज़ करने में काफ़ी कम्फर्टेबल फील होगा, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का रिमोट प्रोवाइड किया गया है। फाइनली इसके पिक्चर क्वालिटी को देखें तो ये टीवी 4K रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलती है। इसका जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इसका जो पैनल है ADS पैनल के साथ आता है, मतलब कि यहाँ पे व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये 8-bit को सपोर्ट करता है, मतलब कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ट्राइल्यूमिनस प्रो का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपको विविड कलर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। पिक्चर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे X1 4K HDR प्रोसेसर दिया गया है, मतलब कि इस टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है, डिटेलिंग काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने OTT कंटेंट को भी प्ले किया, अगर आप इसमें फुल HD वीडियो को प्ले करते हैं तो काफ़ी शानदार अपस्केलिंग देखने को मिलता है। X-Reality Pro प्रोसेसर दिया गया, जिसके वजह से इसमें अपस्केलिंग काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। आप अगर इसमें Netflix से कोई भी वीडियो देखते हैं या प्राइम वीडियो से देखते हैं तो काफ़ी अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे OTT कंटेंट देखने में काफ़ी शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, साथ में स्किन टोन हो गया और भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें इस टीवी में OTT के अलावा, जैसे सेटअप बॉक्स से कोई भी चैनल वगैरह देखते हैं, उस कंडीशन में अगर आप HD चैनल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। एंड HD चैनल लाइक न्यूज़ चैनल हो गया, या फिर आप नॉन HD चैनल को देखते हैं तो उस कंडीशन में इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। HD चैनल में कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, अपस्केलिंग काफ़ी शानदार हो रहा है, मतलब अगर HD चैनल को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कलर एंड डिटेलिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को अभी तक तो नहीं मिला। आगे अगर बात करें इसके मोशन के बारे में तो ये टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस टीवी में मोशन फ्लो XR200 का सपोर्ट मिलता है, मतलब एडिशनल फ्रेम को यहाँ पे ऐड किया जाता है, जो कि मोशन को काफ़ी स्मूथ कर देती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मोशन काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ है, मैंने सेम वीडियो को पेन ड्राइव से प्ले किया एंड सेम वीडियो को मैंने YouTube से प्ले किया, दोनों केस में इसमें थोड़े से
कभी कभी जटर देखने को मिलती है। मतलब कि ये क्या प्रॉब्लम है मुझे भी पता नहीं चल रहा है। मैंने इसे अपडेट भी किया, फिर इसको प्ले किया, फिर भी मुझे ये चीज़ देखने को मिला। मतलब कि थोड़े से आपको कभी कभी जटर देखने को मिल सकती है, बट मोशन में उतना ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप ये सीन देख पा रहे होंगे। वैसे अगर आप इसमें 4K वीडियो 60 FPS में प्ले करेंगे तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी जटर लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। इसका अगर HDR परफॉर्मेंस की बात करें तो ये टीवी डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ HDR 10 एंड HLG को सपोर्ट करता है। HDR कंटेंट देखने में काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी HDR वीडियो देखते हैं तो काफ़ी शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। OTT देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैंने ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट भी किया तो आप इसके पिक्चर के ब्राइटनेस को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्राइटर पिक्चर है। ये टीवी ADS पैनल के साथ आता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट आपको VA पैनल जैसा तो नहीं मिलेगा, बट हद तक देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। IPS पैनल से तो बेटर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट निकल कर आ रहा है। इस टीवी में अलग अलग पिक्चर मोड भी दी गई है, यहाँ पे अलग अलग मोड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, अलग अलग चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ में लाइट सेंसर भी दिया गया है, मतलब कि इसमें अपने रूम के अकॉर्डिंग जो लाइट का एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सेंस करेगा और अपने ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें इसके पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो कोई भी तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, बट मुझे इस टीवी में थोड़े से जटर देखने को मिली अगर फास्ट मूविंग सीन को आप देखते हैं तो। इसे मैंने अपडेट भी किया बट वो चीज़ सॉल्व नहीं हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है इस टीवी के साथ। अगर इस टीवी के साउंड के बारे में बात करें तो ये टीवी टोटल आउटपुट 20 वाट के साथ आ रहा है, जिसमें आपको मिलता है डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट, डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का सपोर्ट एंड DTS एक सराउंड का सपोर्ट मिल जाता है। मतलब कि इसमें सारे तरह का डिकोडर दिए गए हैं, साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई है, X80L मॉडल से X82L मॉडल में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे साउंड में। बेसिकली ये टीवी अकूस्टिक मल्टी ऑडियो को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे दो स्पीकर एंड दो ट्विटर भी दिए गए हैं, दो ट्विटर ऊपर के साइड में दिए गए हैं एंड दो डाउन फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, वर्चुअली 360 सराउंड साउंड फील कर सकते हैं। वैसे मैं इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, वीडियो में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं साउंड का, बट फिर भी आप एक साउंड सैंपल सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इसका साउंड सैंपल काफ़ी शानदार क्वालिटी है, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी है, मिड टोन भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल साउंड में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी सोनी के जो टीवी होते हैं उसमें साउंड एक्सपीरियंस आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, यहाँ भी इस टीवी में साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार प्रोवाइड किया गया है। इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये टीवी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपको मिलता है गूगल टीवी OS का सपोर्ट। इस टीवी का जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी बढ़िया है, आपने गूगल टीवी को यूज़ किया है तो सेम यूज़र इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। होम स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, एप्लीकेशन का रॉ मिल जाता है और भी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सारी OTT कंटेंट आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। ऐप का अलग सेक्शन मिल जाता है जिसमें जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में आप इसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, 7000 प्लस एप्लीकेशन इसके ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जाके आप अलग अलग कैटेगरीज वाइज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये टीवी एंड्रॉयड 10 के साथ देखने को मिल रहा है, साथ में इंटरनल स्टोरेज 32GB का दिया गया है, मतलब कि यहाँ इंटरनल स्टोरेज में थोड़े से इंक्रीज देखने को मिल रही है। पहले जितने भी टीवी देखने को मिलते थे सोनी के, सारे टीवी में 16GB ऑनबोर्ड स्टोरेज देखने को मिलता था, बट यहाँ पे 32GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है एंड अवेलेबल स्टोरेज 18GB के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब स्टोरेज में आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। फ़ोन कनेक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे मिलता है एप्पल एयरप्ले एंड एप्पल होम किट का सपोर्ट, साथ में एंड्रॉयड डिवाइसेस से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल होम द्वारा, एंड साथ में मिलता है
है वॉइस असिस्टेंट जिसमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, हैंड फ्री वॉइस कमांड का सपोर्ट है, तो डायरेक्टली आप विदाउट रिमोट भी इसके वॉइस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। इस टीवी में मिलता है ब्राविया कोर का सपोर्ट, जो कि पिछले साल के लाइनअप में X90 से आपको ब्राविया कोर देखने को मिलता था, X80L एंड X82L से ही ब्राविया कोर का सपोर्ट दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ऐप ओपनिंग वगैरह भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा लैग फील हो सकता है क्योंकि एंड्रॉयड OS है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत कभी कभी लैग फील हो सकता है। ओवरऑल यूज़र इंटरफेस में किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइसिंग है 55 इंच वेरिएंट का 88,000 to 90,000 के बीच में अभी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं या जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरा ओपिनियन ले इस टीवी के बारे में तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे कि अच्छी चीज़ इस टीवी में साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, इस टीवी की डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा एंड साथ में इस टीवी में ब्राविया कोर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि पिछले साल 80K में देखने को नहीं मिलता था। एंड कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने इस टीवी में मोशन वाला वीडियो को प्ले किया तो कभी कभी मुझे जटर देखने को मिला, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसे अपडेट भी किया तब भी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सेम वीडियो को मैंने पेन ड्राइव से प्ले किया एंड सेम वीडियो को मैंने यूट्यूब से प्ले किया, दोनों केस में सेम रिजल्ट देखने को मिला। एंड इसके जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 4.2 का सपोर्ट मिलता है, लगभग 5.0 का तो सपोर्ट होना चाहिए था क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने लॉन्च किया है उस प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग ब्लूटूथ वर्जन 5.0 तो होना चाहिए था। इन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप इस टीवी को ऑब्वियसली कंसीडर कर सकते हैं। आपको इसे परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप मार्केट में जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी बात आपका क्या ओपिनियन है इस टीवी के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।